खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित सांगी को ग्राम जखारा के आगे साइकिल सवार फरियादी की बहन के साथ मंगलसूत्र व चैन की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया को क्राइम ब्रांच एवं थाना हस्तिनापुर पुलिस की टीम बनाकर उक्त बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के एक साथी को ग्राम खरौवा शीतला मंदिर के पास गोहद जिला भिंड में देखा गया है। पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया था, जहाँ से पुलिस टीम ने उक्त स्थान से एक संदिग्ध व्यक्ति को धर दबोचा था। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम जखारा के पास साइकिल सवार महिला के साथ मंगलसूत्र चैन लूट करना स्वीकार किया गया है। लूट के बाद घटनास्थल से फरार हो गए थे और रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो जाने के कारण वह लोग कट्टे की नोक पर एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल भी लूट कर मौके से भाग गए थे। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर दूसरे व्यक्ति से लूटी हुई HF डीलक्स मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाश को थाना हस्तिनापुर के अपराध क्रमांक 81/2022 धारा 392 भादवी 11/13 MPDP के एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाकर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड में की गई पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने बताया कि उसके साथ महिला से लूटे गए मंगलसूत्र एवं सोने की चेन को नारायण विहार स्थित किराए के मकान में छुपा कर रख दिया गया था, जिसे पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस टीम के द्वारा उक्त गिरफ्तार बदमाश से उसके अन्य दो साथियों एवं लूटे गए मसरूका व घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक दामोदर गुप्ता, थाना प्रभारी हस्तिनापुर सुरजीत परमार, क्राइम ब्रांच टीम और थाना हस्तिनापुर टीम कृष्णपाल सिंह तोमर, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही।